सो जैसा कि आपने देखा था हमारे पिछले एपिसोड में आगरा से मनाली का सफर, सो चलिए इस एपिसोड में देखते हैं हमारे आगे का सफर रोहतांग पास के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज निकल रहे हैं भाई, क्या बोलते हैं अपने रोहतांग पास को। 11 तारीख है आज, सुबह रेडी हो गया भाई, सामान वामान सब हमने ले लिया है। अभी गाड़ी को करते हैं एक बार कोल्ड स्टार्ट और रोहतांग पास चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक घूमने को मिलता है। करें कोल्ड स्टार्ट सबसे पहले यार, जब भी आप सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करो ना, तो एक चीज़ को मतलब जहाँ ठंड हो तो एक बार इसको पूरा घूम जाने दिया करो, फिर गाड़ी को एक बार स्टार्ट किया करो। अभी गियर लगा हुआ है, गियर हटाया, गाड़ी को थोड़ी स्टार्ट रहने दो। कहाँ कहाँ जाएंगे भैया अभी? रोहतांग, और अगर जहाँ मिलेगा आगे तो वहाँ मिलेगा, वहाँ भी निकल जाएंगे। लड़के रेडी हैं भाई, फिलहाल रोहतांग, फिलहाल रोहतांग देखते हैं कहाँ तक जाने को मिलता है, वहाँ तक जाएंगे। गेट बंद कर देते, स्मेल गाड़ी में भर जाएगा फिर। तो चलिए एक बार गाड़ी को निकालते हैं, फिर आपको रास्ता दिखाते हैं क्या है कैसे है। कल से निकल लिए हैं अपन और अब सीधे रोहतांग पास के लिए निकलेंगे। बीच में अगर परमिट चेक होगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे हमने परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, परमिट का ये 550 रुपये खर्चा है अगर आपकी गाड़ी फोर व्हीलर है। ये देखो, ये रहा हमारा परमिट। और अगर हम बात करें टाइमिंग का तो हमें कोई मालूम नहीं है, खैर अभी जाकर देख रहे हैं। और भाई काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, खैर सर्दी लग रही है हमें, पर एसी की भी खैर खास ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एसी बंद। सो आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। और यार पता नहीं क्यों मेरे स्कॉर्पियो का ना वाइपर वाला एक नोजल है वो ब्लॉक हो गया, उसको भी देखूंगा अभी, शायद धूल लगने से ही हो गई दिक्कत। तो ये देख रहे हो आप यहाँ से नज़ारे, ये देखो यहाँ पर आप जितनी गाड़ी हाई गियर पे चलाओगे ना उतनी आपके लिए दिक्कत है, इसलिए आप गाड़ी को हमेशा तीसरे गियर पे रखो और हल्की सी रेस में रखो। तो ये कि इससे आपका इंजन ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा और आपकी गाड़ी आराम से पिकअप भी ले लेगी। करने लगे भाई अपना तीसरा टैंक फुल, मतलब अभी गाड़ी में ना डीजल अपना है, पर हमारा क्या हिसाब है ना, जहाँ डीजल मिलता जा रहा है ना वहीं हम डलाते चले जा रहे हैं। और गाड़ी की हालत हो गई बहुत गंदी, और गाड़ी अगर अभी रेंज बताऊँ तो देख रहे हो अभी 4 डब्बे हैं डीजल के और अभी रेंज दिखा रही 559। पहाड़ों पे ये है कि यार माइलेज तो अच्छा नहीं देती है गाड़ी, खैर पर आप जब भी चले ना जहाँ पर आपको मिले वहाँ पर आप टैंक फुल कराते चलो, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है। पर एयर प्रेशर भी हमारा खैर सही है ना, हिमाचल में बट ये चल रहा है 90। 6 रुपये सस्ता है खैर यूपी से है जी, 6 रुपये सस्ता है, सस्ता है। और एक बार टायर वगैरह का प्रेशर वगैरह मैं चेक कर लूँ यार, कितने का आएगा क्या लगता है? अभी तो और आएगा, अभी तो झाग ले गया होगा। यहाँ पर अपनी गाड़ी का आरसी और पोल्यूशन चेक होगा, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ी आगे कर लो भैया। ओके सर, थोड़ी ओके। चलो 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 बात। यहाँ पर देख रहे धूप भी बहुत तगड़ी पड़ रही है, और यहाँ से आरसी और जैसे मैं बता रहा था ना कि आरसी और पॉल्यूशन चेक होगा, यहाँ पर भी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप अटल टनल के उधर जाते हो तो आपको वहाँ पे ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, और आप मनाली घुसते हो तो भी आपको 300 रुपये ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रोहतांग पास परमिट तो वो तो मैंने आपको बता दिया 550 रुपये, पर जो नज़ारे हैं ना भाई वो इन पैसों के हिसाब से वर्थ है भाई टोटल। क्यों सन्नी है, वर्थ है अपना हीरो? हाँ वर्थ है, वर्थ है पूरा भाई, सही है भाई। ठंडा कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ तो यार देख रहे हो बर्फ नहीं है यहाँ पर, खैर हम लोग बर्फ में आए थे तब तो खैर और ठंड थी। ये है कि आपको यहाँ जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाओ तो कोशिश करो आप कभी हाई गियर पे मत जाना, लास्ट जो गियर होगा वो होगा आपका तीसरा गियर है यहाँ आपका छठवां गियर अगर आपको गाड़ी खींचनी है, क्योंकि अगर आपने चौथे गियर से भी गाड़ी ऊपर उठाई ना तो गाड़ी का पिकअप छोड़ देगी और मोमेंटम बन नहीं पाएगा, जिससे आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कत जरूर होगी।
यार एंट्री हुई नहीं कि भाई जाम शुरू। भाई यार देख रहे हो यार जाम ही जाम लग रहा है यहाँ पर, और पर जो भाई नजारे आ रहे हैं ना भाई यहाँ से भाई गदर है भाई, और डाउन हिल पे गाड़ी खड़ी है तो ये भी नहीं है कि हम गाड़ी छोड़कर भी चले जाएं। और भाई फोटो वोटो चल रही है भाई दोस्तों, और देख रहे हो नजारे भाई एकदम वीआईपी भाई। आधे घंटे के बाद अपन चेक पोस्ट पहुंचे, ये पहला चेक पोस्ट है, इसके बाद ऊपर भी पड़ेगा और ये कुछ तरीके का परमिट आपको लेना पड़ता है, मोबाइल से भी दिखाओगे ना चल जाएगा। और ये है कि अपने में परमिट है तो हम दिखा देंगे भाई, परमिट चेक करवाता हूँ मैं पहले एक बार। A few moments later. अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लेने को रुके हैं अपन, और यार बहुत ठंड है भाई। सिवांस बोतल निकाल लेते थोड़ा सा, मतलब अपना जो हम लोग लेके आए फ्रूट जूस चलो पीते हैं, खोलो तुम लोग खोलो। और क्या थोड़ा सा हमने ना गाड़ी को रेस्ट देने लिया है, और हाँ मैं आपको बता दूंगा आप अगर अपनी कोई सी भी गाड़ी से आते हो ना परमिट अप्लाई कर लेना आप, क्या बोलते हैं rohtangpasspermit.com से, वरना यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी। खैर हम तो अपनी गाड़ी से आए थे, और देख रहे हो भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं भाई एक नंबर भाई, काफ़ी बढ़िया लगता है मतलब यहाँ पर। और आपकी गाड़ी अगर ऐसी हो जो आपको हर जगह ले जा सके फिर तो बात अलग ही है। क्यों सन्नी कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। देख रहे हो एकदम धूप जो यहाँ पे पड़ रही है ना, अच्छा बहुत तेज धूप है जो कि ठंड को रोक रही है। वैसे हमारा पानी भी ठंडा हो गया यहाँ पर यार, देख रहे हो एक नंबर जबर नज़ारे हैं भाई एकदम। सीन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चढ़ रहे हैं यार, नज़ारे बढ़ते चले जा रहे हैं, और थोड़ा सा धीरे धीरे अब सांस लेने में ना अंतर महसूस हो रहा होगा। अब थोड़ा सा अंतर महसूस हो रहा होगा क्योंकि हम धीरे धीरे ना अल्टीट्यूड हमारी हाई हो रही है। सनी कैमरा पकड़ना, चढ़ा दूँ गाड़ी ऊपर। यहाँ पर करना कि आपको कि अपने गियर लो कर लेने हैं, और रेस से पैर पूरा रखना है, और हैंडल काट लो और रेस दबा दो, जैसी गाड़ी चढ़ने को रेस दबा दो हल्की सी और गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। और फिर जैसी गाड़ी 2000 RPM पार करेगी वैसे आपको तीसरा गियर डाल के गाड़ी को एकदम आगे ले लेना है, और जैसे ही आपको अगर अगला टर्न आ रहा है तो आपको स्पीड अपनी पहले 40 या फिर जितने भी चल रहे हो आप उससे नीचे लाकर आपको डाउन शिफ्ट कर लेना है। ये देखो यार कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए यार, वाह भाई जो नज़ारे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत सी होने लगी है। पहुंच चुके हैं, गाड़ी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं मिल रही। पर आप ये देखो जो नज़ारे यहाँ से आ रहे हैं ना, और जो बात करें भाई जाम की भाई, तो यहाँ पर यार जाम की स्थिति बहुत है, पर जो अपने टायर है ना इन टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाले एटी टायरों से। यार थोड़ा सा खाने पीने रुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे यार, और जो यहाँ से नज़ारे अलग है। गलती ये करी हमने कि यार हमने ग्लव्स वगैरह कुछ लिए नहीं, और इससे यहाँ पर नज़ारे अलग ही एकदम। ये गाड़ी यार एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आओ अगर हीरोगिरी करोगे ना तो आगे जाने लायक नहीं बचोगे, और अपनी गाड़ी को केयर से रखो, हल्का फुल्का खाते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो बस। और भाई हम बर्फ छू नहीं रहे हैं भाई क्योंकि यार हाथ सुन हो गया, और यार सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर आपको पर आपको करना क्या है ना, लंबी सांसें लो, खूब पानी पीते रहो, अगर आपके पास वॉच वगैरह है तो एस क्यू टू लेवल 95 से ऊपर नहीं है, पानी खूब पीते रहो और टॉयलेट खूब करते रहो, खाने से ज़्यादा पानी में ध्यान देना। और जो भाई यहाँ से नज़ारे हैं ना भाई एक नंबर है भाई, अभी हम लोग टोटल टॉप पर है भाई एकदम रोहतांग पास के। यार
थोड़ा सा भी चल करना, सांस जो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है यार है, वरना आज तक कभी इतना खेलना हुआ कुछ करने के बाद भी इतना, पर लंबी सांसें लेते रहो क्योंकि लंबी सांसें लेते रहोगे तो सही रहेगा। पानी खूब पियो, पानी यहाँ पे आओ, पानी पे पीने में ज़्यादा ध्यान रखो। नज़ारे तो आप आंखों से देख ही लोगे, हर आधे घंटे में दो बार पानी पियो, और आपको ये समझ लो एक घंटे में आधा लीटर पानी तो पीना पीना है, भले आपको गाड़ी 10 बार रोकनी पड़े रोक लो। मैगी वगैरह ले लिए यार, और भाई बहुत ज्यादा ठंड है भाई, ये ठंड बताओ यार। अरे कान चिल्ड हो गए मेरे भाई, मैगी गर्म है भाई, प्लेट इतनी गर्म है भाई, हाथ में रख के बहुत रिलीफ मिल रहा भाई, एसी तो बंद है, ऐसा बंद हुआ भाई, और भाई बाहर का दिखा रहा अभी गाड़ी के अंदर भाई 13 डिग्री है। भाई अब कोकसर में आ गए नीचे, अब हम यहाँ से सीधे अटल टनल पकड़ के वापस होटल में जाएंगे और बैग वगैरह पैक करेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे अगर टाइम बचा तो, और स्टे करेंगे यहाँ पर कोकसर में। आपका जो रोहतांग पास है ना वो चेक होगा दोबारा से, जो कि हमारे में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे में से परमिट था ना जिसमें यहाँ पर ये हमारा ये लग गया था इशूड वाला, वो आपका यहाँ पर चेक होगा और आप फिर आगे जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। यहाँ पर भी जाम है, और यार जाम का जो मेन रीज़न बताऊँ क्या यार, पता नहीं क्यों यार, कि जितने भी ये छोटे अल्टो वाले टैक्सी वाले ना भाई, वो एकदम से ओवरटेक मार के तुरंत दबा लेते भाई, जिससे लाइन बढ़ती चली जाती है और समय कम ज़्यादा लगने लगता है यार। अब चलो एक बार चेक पोस्ट को पार करते हैं, फिर अटल टनल आपको दिखाते हैं, अटल टनल भी कैसे दिखती है। अटल टनल आ चुके हैं हम लोग, ये रही अटल टनल, देख रहे हो अटल टनल, तो खैर हमने सर्दियों में भी देखी थी, तब का खैर नज़ारा अलग था, तब का खैर नज़ारा अलग है। इधर चले जाओगे तो शीशु वैली मिलेगी आपको, शीशु वैली है, और कल लद्दाख अगर हम लोग निकलेंगे तो भी, कल लद्दाख भी अगर हम लोग निकलेंगे तो भी कल यहीं से निकलेंगे, अभी यहाँ से क्रॉस करते हैं। दुबियाला ब्रिज भी देखो यार, ये कितनी तेज़ उड़ रहे हैं यार हवा से, तो अभी हम लोग अटल टनल में एंटर करेंगे। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल उस तरफ है, कल हम लोग साउथ पोर्टल से एंटर करेंगे आपके रहो क्या बोलते इससे आगे के लिए, लद्दाख वगैरह के लिए। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना एकदम परमिट नहीं है, तो देख रहे हो कल फोटो अपने यहाँ से खिंचवाएंगे। यहाँ पर स्पीड लिमिट 40 की लगी हुई है, आपको 40 की स्पीड लिमिट मेंटेन रखनी है, ये चीज़ का आपको हमें ध्यान रखना है एकदम, और ना यहाँ पर आप ओवरटेक ले सकते हैं ना यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। तो चलिए यार आज का व्लॉग ना इधर ही ख़त्म करता हूँ मैं, कल अपन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और कल शायद लेह के लिए निकलेंगे हम लोग, और बीच में और भी जो जगह होंगी घूमने वाली वो भी हम घूमते हुए निकलते चले जाएंगे। सो चलिए जर्नी हमारी कंटिन्यू है, और भाई एक चीज़ अब मैं बंद करते करते बोलूँ यार, ये देखो यहाँ के जो टूरिस्ट वैन वाले हैं ना, जैसे ये देखो ये पीछे चल रहा है भाई, मतलब यहाँ पर ओवरटेक लेना मना है आदमी को, तो भी ओवरटेक लेनी है।